यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, जोर तोड़ की सियासत और तेज हो गई है। सपा अपने तीसरे और भारतीय जनता पार्टी अपने 8वें उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए पूरा जोर लगा रही है और दोनों ही दलों की नजर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रुख पर टिकी थी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जेडीएल प्रमुख और प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया से मुलाकात की। इसके अगले ही दिन यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी राजा भैया से मिलने पहुंच गए थे। दूसरी तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव मोड में हैं और राजा भैया से मुलाकात कर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव के लिए उनका समर्थन मांग चुके हैं। अब राजा भैया ने खुद अपने पत्ते खोलते हुए बता दिया है कि वो राज्यसभा चुनाव में किसको अपना समर्थन देने जा रहे हैं। राजा भैया ने सीधे ऐलान करते हुए कहा है कि सपा के लोग आए थे लेकिन हमारी पार्टी के वोट बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में ही जाएंगे। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। दरअसल बीजेपी नेता हूं या सपा के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों से ही मुलाकात में राजा भैया ने लोकसभा सीटों की बात की थी। राजा भैया अब तक संभावनाएं टटोल रहे थे कि कौन सी पार्टी उनके दल को कितनी लोकसभा सीटें दे सकती है, लेकिन अब बीजेपी से बात बन गई है। लेकिन बात कितनी सीटों पर बनी है इसका ऐलान होना बाकी है। वहीं राजा भैया अपनी पार्टी के लिए प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 सीटें चाहते हैं। माना जा रहा था कि सपा ने राजा भैया की 2 सीटों की डिमांड पर हामी भर दी थी। दूसरी तरफ ना तो सीएम योगी और ना ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसके लिए उन्हें कोई आश्वासन दिया था। राजा भैया से मुलाकात के दौरान नरेश उत्तम ने सपा के साथ उनकी निकटता का भी जिक्र किया और अखिलेश यादव से फोन पर बात भी कराई। सपा नेता ने यह भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव के न होने से बदली परिस्थितियों में पार्टी के लिए राजा भैया का साथ कितना जरूरी। राज्यसभा चुनाव में सपा को 3 कैंडिडेट जिताने के लिए 111 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन सपा के पास मौजूदा समय में 108 विधायक है, लेकिन 2 विधायक मिला दें तो संख्या 110 पहुंच जाती है। इस संख्या बल से समाजवादी पार्टी अपने 2 कैंडिडेट आसानी से जिता लेगी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को जिताने में विधायकों की संख्या कम पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अगर राजा भैया अपने 2 विधायकों का समर्थन दे देते तो आसानी से समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट भी जीत जाता, लेकिन अब राजा भैया को मनाने में सपा तो कामयाब नहीं हो पाई। दरअसल यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 27 जनवरी को वोटिंग होनी। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी ने 8 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी की ओर से 2 प्रत्याशियों ने दावा ठोका है। एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। उधर समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी के 8वां कैंडिडेट उतारने से सपा की 3री सीट फंस गई है। इस तरह राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर चल रही। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।